हाँ तुम ठीक ठाक? हेलो हाँ कम जाना थी क्या चीज नाम इना 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 खूब साहब दादी मोटर तो आजा अच्छा नहीं पकड़ना बस खेचल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं आया हूँ ताचीखाल में। यहाँ पे स्वर्गीय श्री हमारे बड़े भाई साहब थे मेहरवान सिंह नेगी जी, उनकी मतलब डेथ एनिवर्सरी है, तो उस उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे भागवत कराया जा रहा है। तो ब्यास जी को लेने गए हैं उधर लोग, और अब मैंने कहा मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा। हाँ बोडी नमस्ते। हाँ तुम ठीक ठाक? वही मैं आपका दिन पले आओ दस थोड़ी हाँ तो दगड़ी बोट और जाना चाहिए घास अकड़ा तुम ब्याज आओ पर घास अकड़ी आज मौसम घास की बार पड़ी आज घास की घोड़ा ओ निकला का नहीं तो काट दे सो सारी घास। तो फ्रेंड्स जब मैं घर में था ना, तो तब आपको मैं यहाँ आता जाता बहुत बार दिखता था, क्योंकि यहाँ चक्की है तो हम लोग पिसाने के लिए ज़्यादातर यहीं आते थे, है ना। तो गाइस ये हैं मेहरवान सिंह नेगी जी, जिनकी पुण्यतिथि पे वार्षिक तिथि पे जो है यहाँ पे भागवत कराया जा रहा है। तो अभी ब्यास जी को लेने गए हैं, तो आते हैं तब तक ऊपर देखते हैं। यहाँ पे ताऊ लोग बैठे हैं, थोड़ी गपशप मारते हैं इनके साथ। तो चलो भाई चाय नाश्ता करने के बाद फोन आ गया कि ब्यास जी आ गए हैं, तो फिर जो है आगे मिलते हैं सब लोगों से। तो वही ब्यास जी आ गए सामने से, फोन आ गया कि यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो सब लोग उनके स्वागत में चल रहे हैं। नमस्ते ठीक सावा हाँ। तो ये देखो भाई ब्यास जी के स्वागत के लिए यहाँ पे आ गए सब लोग जितने भी यहाँ पे है ना।
मिली नाना पुष्पाणी संगीता सुन सुनी पुष्पाणी अक्षरस्वरूपी राधा कृष्ण ध्याम मंत्र स्वांजलिं समर्पयामि हिरण्यगर्भां कस्मै देवाय वैसे भागवत कथा तो नीचे घर में होनी है, लेकिन यहाँ पे है देवी का मंदिर। सबसे पहले यहाँ पूजा पाठ होती है, यहाँ पे जो भी शुभ काम होते हैं ताजखाल वालों के। तो वही है कि पहले मंदिर में आशीर्वाद लिया जा रहा है, वहाँ से फिर नीचे आएंगे। और ये देखिए यहाँ का हैंडसम अंक मैं तार 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 स्पेशली आया हूँ सूरज के बुलाने पे। तो भाई दोस्तों कल से यहाँ पे होगी भागवत कथा, तो जो आसपास के लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे कर रखी है व्यवस्था एकदम बढ़िया। तो भाई दोस्तों यहाँ पे व्यास जी का स्वागत किया जा रहा है, पैर धोए जा रहे हैं उनके, है ना। तो जब भी व्यास जी आते हैं भागवत कथा करने के लिए तो उनका इसी तरीके से स्वागत होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट है, सख्त अनुरोध है कि इस भागवत कथा को सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि भागवत कथा कराने वालों को भी उसका फल तभी मिलता है जब भागवत कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा आहुति देने से यज्ञ जो है मतलब सफल होता है, उसी प्रकार भागवत कथा में जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना तो भागवत कथा उतनी सफल मानी जाती है। तो किसी की आत्मा की शांति के लिए और किसी परिवार ने जो है भागवत कथा का आयोजन किया है तो उसको सफल बनाने के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए जाएँ और अपना सहयोग दें। इस ब्लॉग के माध्यम से बड़े भाई स्वर्गीय श्री मेहरवान सिंह नेगी जी को कोटि कोटि श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार का ये भागवत कथा सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
हेलो कर दो, हेलो बात पर तो लड़ जाएंगे। तो भाई ब्यास जी का स्वागत हो गया, बैठ गए वो अपने आसन पे, वहाँ पूजा पाठ चलेगी। तो अब हम लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपने घरों के लिए। तो भाई दोस्तों आजकल तो टाइम रहते हुए घर निकल जाना चाहिए, पता नहीं कब अंधेरे में कौन सा जानवर कहाँ से किधर आ जाए, पता नहीं होता। ये देखो अंधेरा होने लग गया है, भाग भाग के निकल जाता हूँ घर।